हाय बच्चों, तो आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और साथ ही साथ तो आज मैं लाइट शो दिखाऊंगा। तुम कभी वहाँ गए होगे, ताजमहल वगैरह, तो वहाँ पे एक लाइट शो होता है, आगरा का किला है ना, वहाँ पे एक लाइट शो होता है। तो मैं वो लाइट शो दिखाने वाला हूँ। उस लाइट शो को दिखाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूँ। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है ब्लैक होल। काफ़ी मिस्टीरियस थिंग है, पता है, अभी तक ब्लैक होल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं कि उसके अंदर क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन कुछ थीसिस है। हमारे आइंस्टाइन साहब ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया, स्पेस टाइम के बारे में बताया, ठीक है, स्पेस कर्वेचर है ना, इन सब के बारे में बताया, तो वहाँ पर ब्लैक होल के बारे में बताया। चलिए तुम्हें पता होगा, थोड़े टाइम पहले ही ब्लैक होल की एक डिस्कवरी हुई, एक ब्लैक होल पता हुआ है। पता होगा तुम्हें, हमारी खुद की गैलेक्सी में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, ठीक है, और एंड्रोमेडा में भी। मतलब ब्लैक होल एक्चुअली मिलियंस में बहुत सारे हैं। एक होते हैं छोटे वाले ब्लैक होल, जो अराउंड, जिनकी डायमीटर 16-18 किलोमीटर अराउंड होती है। एक होते हैं बहुत बड़े मैसिव ब्लैक होल्स, ठीक है। जो छोटे ब्लैक होल्स होते हैं उनके अंदर तुम्हारा हाल पता कैसा होता है, चलो लाइट शो में दिखाऊंगा। पहले लाइट शो स्टार्ट करें, कर दें स्टार्ट। तो चलो एक यूनिवर्स की यात्रा करने चलते हैं, ठीक है, चलो। तो ये है ब्रह्मांड। अच्छा, ज्यादा हो गया, इतना नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा है ये है क्या? अभी मैं तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यही ब्लैक होल है। यहाँ पर लाइट देख रहे हो तुम, कर्व हो रही है। ये लाइट इसलिए कर्व हो रही है क्योंकि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होती है वो बहुत तगड़ी होती है। कैसे ब्लैक होल बनता है ये सारी बातें मैं बताऊंगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत 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 ज़्यादा तगड़ी होती है कि दैट मीन्स ये इवन लाइट को भी कर्व कर देती, लाइट को भी बेंड कर देती इतनी ज़्यादा, ठीक है। लाइट को, अब वो वाली भी तुम बोलोगे सर, लाइट को एब्जॉर्ब भी तो करती। हाँ, अगर लाइट इसके अंदर चले जाए, एक चीज़ होती है पे इवेंट होराइजन। जिन लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी, इंटरस्टेलर वो देखना, उसमें तुम्हें इवेंट होराइजन वाली बात बहुत अच्छे से समझाई गई। मतलब उस मूवी के अंदर तुम्हारी फिजिक्स में बस कुछ चीज़ों को छोड़ दो, भावनाओं को साइड में हटा दो, उसमें कुछ लास्ट में इमोशंस वगैरह डाल दिए, अदरवाइज उसके अलावा तुम उस मूवी को देखोगे, उसमें तुम्हें बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वॉर्म होल्स सुने होंगे तुमने ना, चलो वो देखी होगी तुम्हें। एवेंजर्स, थोर जाता था एक अपने उसमें, अपनी उससे हैमर के थ्रू वॉर्म होल्स के थ्रू वो यूनिवर्स ट्रेवल कर लेता था ना। चलो खैर, बाद में आ जाओ, लाइट शो पे आ जाते हैं वापस। ये तुम्हारा क्या दिख रहा है? ब्लैक होल। क्या ये ब्लैक होल? ये पूरा ब्लैक होल नहीं है, यहाँ कहीं बीच में ब्लैक होल है, यहाँ के बीच में है ना, यहाँ बीच में। तो मैं दिख नहीं रहूँगा, तो मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, पता है मुझे, मैं तुम्हें नहीं दिख रहूँगा, ठीक है। यहाँ कहीं बीच में होता है ब्लैक होल भाई, यहाँ कहीं बताऊँगा, चलो इसके बारे में भी। देखो ये इंसान के साथ क्या हुआ, ये एक ब्लैक होल में जानने की कोशिश कर रहा है। मान लो अर्थ, ओह ये इट्स मैजिक है ना। तो है क्या, लाइट जला के बताते हैं। सोचो कभी हमारी अर्थ ब्लैक होल की चपेट में आ गई, ब्लैक होल क्या करता है, सब चीज़ों को अपने अंदर समान लेता है। मान लो कभी अर्थ, सोचो ऐसा हो कभी कि अर्थ ब्लैक होल के पास पहुंच जाए, या हमारा सोलर सिस्टम ब्लैक होल के पास पहुंच जाए, पता ना तुम्हें, एक बड़ा जो मैसिव ब्लैक होल है वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम खा सकता है ना। तो ऐसे टाइम पे मान लो एक शक्तिशाली, देखो या तो ऐसा इंसान बचेगा जिसकी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो खिंच जाए, क्योंकि जब कोई ब्लैक होल की तरफ जाता है ना तो क्या होता है, जो छोटा ब्लैक होल है, छोटा ब्लैक होल कैसा होगा लगभग दिखाता हूँ, छोटा ब्लैक होल कैसा होगा, यहाँ पे देखो, अभी तुम एक चीज दिखाते हैं। ये है वो सिंगुलैरिटी पॉइंट दिख रहा है ना, ये छोटी सी जगह, ये जो तुम्हें वेब टाइप दिख रहा है ना, ये रियलिटी में कुछ ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से, मान लो तुम यहां से घुसे इधर से, तो तुम्हारा जो, मान लो तुम पैरों के थ्रू घुसे, या फिर तुम उसकी तरह अपने सिर के थ्रू घुसे, सर के थ्रू घुसोगे तो तुम्हारा सर यहां से खिंचता चला जाएगा स्ट्रेच, क्योंकि उसे यहां पे जाना है। सोचो यहां पे पहुंचते पहुंचते पूरा स्ट्रेच हो जाएगी तुम्हारी बॉडी। सोचो ऐसी कहीं जगह तुम्हारी बॉडी, और सोचो बहुत पतली सी जगह, ये जो जगह है ना बहुत पतली सी, सोचो इतनी पतली कि तुम्हारी बॉडी इसमें आ ही ना पाए, तो स्ट्रेच हो जाएगी पूरी, है ना, पूरी। देखो इस सिंगुलैरिटी की तरफ, इस सिंगुलैरिटी को बोलते हैं, बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। आगे यहाँ देखो, आ जाओ वापस आ जाते हैं। तुम्हारा स्पेस ऐसा है, मान लो ये ब्लैक होल की चीज़ है, देख रहे हो तुम, इवन लाइट यहाँ से एस्केप नहीं कर पाती, लाइट को बेंड कर देता है ये ब्लैक होल, देख रहे हो। इन्हें बोलते हैं देखो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इनका मास पता कितना ज़्यादा होता है, इनका मास मिलियंस और बिलियंस टाइम्स मोर मैसिव देन आवर सन, हमारे सन से इतना ज़्यादा देख रहे हो, ये जो बड़े वाले ब्लैक होल्स होते हैं, ठीक है, ये बड़े ब्लैक होल्स पूरे सोलर सिस्टम को भी खा जाएंगे। देखो एक, अब तुम्हें इस वाली वीडियो में देखो, कुछ दिख नहीं रहा पहले यहाँ पे, पता है यहाँ एक ब्लैक होल था, इस वीडियो को दोबारा देखने, वीडियो दोबारा स्टार्ट होगी ना, यहाँ पे कुछ देखो हल्का सा दिख रहा है, पता कैसे चलता है कि कहीं ब्लैक होल है? ब्लैक होल अगर होगा भी कहीं तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे ब्लैक होल है? ध्यान से देखो, ब्लैक होल कैसे बनेगा वो बताऊंगा, टेंशन मत लो ना। कहीं भी ब्लैक होल होगा तो वहाँ पे ना चारों तरफ तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये होती है फोटोन लेयर। एक यहाँ पे लाइट जो आसपास होती है, तो लाइट कभी कभी इसे ऑर्बिट करती है, मतलब इतनी तेज। सोचो हमारा जो सन है, हमारे सन को हमारी अर्थ ऑर्बिट कर रही है, हमारे सन को अर्थ घूम रही गोल गोल। सोचो सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती, हो सकता था अर्थ को खींच लेता, पॉसिबिलिटी है। सोचो
हम घूम नहीं रहे, हमारी अंदर मास इतना नहीं है, इसलिए देख रहे हो हम अर्थ के ऊपर आके पड़े हैं। तुम अर्थ से दूर भागने की कोशिश करो, कूद के देखो, नहीं जा पा रहे ना, है ना। सोचो सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि अर्थ उसकी तरफ खींची चली जाए, है ना, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा ग्रेविटी वाला होता है कि कुछ लाइट तो इसको ऑर्बिट कर रही है, ठीक है। उसके बाद लाइट और गैसेस पार्टिकल, देखो यहाँ पर कुछ हैं, यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वो जगह है जहां के बाद अगर तुम उसको पास कर गए, उसके अंदर चले गए, तो फिर तुम ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड है, अगर तुम्हारी स्पीड किसी भी चीज की इससे ज्यादा है, तो तुम सिर्फ उस इवेंट होराइजन को एस्केप कर सकते हो। इंटरस्टेलर मूवी में वही दिखाया, अगर तुमने इसे एस्केप कर दिया तो तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, ऐसा अभी माना गया है, ठीक है, टाइम ट्रेवल, क्योंकि स्पीड से लाइट से तेज हो गए ना। ये देखो ये आदमी खिंच गया, ऐसे स्ट्रेच हो गया, क्योंकि ये ब्लैक होल की तरफ खींच रहा था, तो इसके ऊपर वाले पार्ट पे वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और जगह बहुत पतली है, तो वो खींच लेता उसे। लेकिन सोचो अगर ही तुम्हारे अंदर ऐसी इलास्टिसिटी होती, तुम ऐसे खींच पाते इसकी तरह, तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं, तुम ब्लैक होल को सर्वाइव कर जाते। अच्छा ऐसा नहीं है फिर से, चलो होता क्या है, ब्लैक होल बनता कैसे, ध्यान से देखो। एक सन है ना, इस सन में रेडिएशन और ग्रेविटी दोनों बराबर है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये तो है वो रेडिएशन जो बाहर निकल रही है, और ये है वो ग्रेविटी जो सेंटर की तरफ लग रही है ही। इसी वजह से एक्चुअल में ना कोई भी रिएक्शन बैलेंस होती है, मतलब सन, तुम्हें पता है ना, सन कभी ब्लास्ट हो जाता है, स्टार ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, स्टार ही तो खत्म होकर न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं या फिर ब्लैक होल्स बनते हैं, वो खत्म क्यों होते हैं। ये मैं बात थोड़ी सी ऐसी करूंगा, ये बात मैं उन लोगों के लिए करूंगा जो लोग थोड़े साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड से, अभी तक की जो बातें ब्लैक होल की, हो सकता है वो साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड वाले लोगों को भी समझ में आ जाए, लेकिन अब नहीं होगी। तुम्हारे सन के अंदर रिएक्शंस होती हैं, ड्यूट्रियम मिलके बम्बार्ड होके हीलियम बना रहे हैं और बड़ी बड़ी एनर्जी निकाल रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन सारे ड्यूट्रियम खत्म होकर फाइनली तुम्हारे सारे कन्वर्ट हो जाएंगे हीलियम में। उस टाइम पर रेडिएशंस, ये जो रेडिएशन निकल रही है ना, खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तुम्हारे सन के अंदर, स्टार के अंदर, ऐसे देखो जितनी ग्रेविटी उतनी रेडिएशन है ना, तुम्हारे सन के अंदर ये सब है। आयरन कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते, समझो तुम्हारे आयरन कोई एनर्जी, सिलिकॉन, नियॉन, ये सब रेडिएशन इवॉल्व कर रहे हैं। एक टाइम पर रेडिएशन खत्म होते होते तो देखो आयरन पूरा फैल गया, रेडिएशन पूरी खत्म होगी, तुम्हारा पूरा क्या बढ़ गया, रेडिएशन पूरी खत्म। देखो रेडिएशन तो पूरी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, ग्रेविटी फिर देखो फोर्स लगेगी ज्यादा, इतनी ज्यादा ग्रेविटी अंदर की तरफ कोलैप्स। सोचो अगर रेडिएशन से ना होती है, ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, सिस्टम एकदम से कोलैप्स कर गया अंदर की तरफ, देखो ये पूरा सिस्टम अंदर कोलैप्स कर गया, और ये कोलैप्स करके बिल्कुल एक डॉट टाइप बनेगा भी, है ना, एक डॉट टाइप, ये डॉट बन गया और एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। और जैसे ये ब्लास्ट होता है तो तुम्हारी दो चीजें बनती हैं, तुम्हारी दो चीजें बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर बहुत हैवी स्टार ब्लास्ट हुआ तो पॉसिबिलिटी होती तुम्हारी ब्लैक होल बनने की, कोई नॉर्मल तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी होती न्यूट्रॉन स्टार, तुमने सुने में होंगे न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। और जैसे ही वो ब्लैक होल बना, ठीक है, ब्लैक होल देखो यहाँ पर कि ब्लैक होल है, वो दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा ब्लैक होल, ब्लैक होल कोई चीज ऐसे थोड़ी ना, ब्लैक होल कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसे मानो कि तुम्हारे कई सारे बड़े बड़े स्टार मिलके, सोचो दिमाग लगाओ, जैसे अर्थ बहुत बड़ी है, पता तुम्हें अर्थ बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी अर्थ, अर्थ का पूरा का पूरा मास मैं एक सुई बराबर चीज के अंदर भर दूं, सोचो पूरा का पूरा अर्थ का मास में एक सुई बराबर चीज के अंदर भर दूं पूरा मास, सोचो डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो को पूरा का पूरा अर्थ का मास इसके अंदर आ जाए, कितना भारी होगा ये सोचो, कोई उठा सकता है, इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। यही एक्चुअल में ब्लैक होल का काम करती है। सोचो तीन चार सन मिलके कोलैप्स होके मिलके सिर्फ इतना पतला सा एक वो बन गए, उसी को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। देखो ये स्टेलर ब्लैक होल है, ये पास में ही स्टेलर, ये 10-20 टाइम्स इस मास ओवर, हमारे सन की इतना मास इसका वो है, और इसकी ग्रेविटी वो डायमीटर पता कितनी है, सन की डायमीटर पता तुम्हें कितनी है, पता ना, अर्थ की डायमीटर ले लो, अर्थ की रेडियस ही ले लो, अर्थ की रेडियस ही होती है लगभग इसके बराबर है ना, अर्थ की रेडियस, ये अर्थ की रेडियस है कितनी, 6400 किलोमीटर रेडियस है। अर्थ की डायमीटर कितनी है, डबल कर दो इसका, है ना, डबल कर दो, 2800 किलोमीटर, ये अर्थ की रेडियस है, इस ब्लैक होल की रेडियस से 16 किलोमीटर है। सोचो इतने से किलोमीटर में, सिर्फ इतने से पार्ट में कितने टाइम्स, 10-20 टाइम्स हमारे सन के मास से सिर्फ इतनी सी जगह में, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है और इसकी ग्रेविटी हद से ज्यादा। इसके चारों तरफ जो तुम्हें दिखता है ना, चारों तरफ जो तुम्हें दिखता है वो होती तुम्हें लाइट या फिर गैसेस पार्टिकल जो भी है ना, जो इसको ऑर्बिट कर रहे होते हैं, और उसका हमने एक नाम रखा, उसे बोलते हैं इवेंट होराइजन। उसे एस्केप, अगर तुम उसके अंदर चले गए उसके बाद एस्केप मुश्किल है, अनलेस तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा लाइट स्पीड ना हो। स्पेस टाइम कर्वेचर देखो, सोचो एक्चुअल में ये ऐसे देखो, ये रहा तुम्हारा स्टार, फट गया भैया, बन गया क्या, ब्लैक होल। फटने के बाद, ये मैंने बीच का स्टेप नहीं दिखाया, फटने के बाद क्या बन चुका है, ब्लैक होल, ठीक है, देख लो। अरे ये तो वैसी है, ये ब्लैक होल नहीं, ब्लैक होल मतलब ऐसे आदमी हाथ बाहर नहीं निकाल सकते। अब देखो ये तो है,
कोई चीज़ अगर अंदर चली गई तो देखो खींची चली जाएगी। ये सिर्फ ये है एक्चुअल में ब्लैक होल, इसकी ग्रेविटी का इफेक्ट है जो चीज़ों को खींच रहा है इस तरह से। ये इतना सा होता है बस, इतना सा मान लो यहाँ पे, ज़्यादा छोटा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। ठीक है, ये ब्लैक होल का रास्ता, ये जाल है, रियलिटी में नहीं होता, रियलिटी में नहीं होता है ना, समझ लेना। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल, ये इवेंट होराइजन देखो, इवेंट होराइजन, ठीक है, ये फोटोन्स की लेयर होती है ना, ये देखो यहाँ पे, ये है इतना सा ब्लैक होल। देखो ये दिख रहा है घूमता हुआ गोल, बहुत हल्का सा दिख रहा होगा, शायद वीडियो में दिख भी नहीं रहा हूँ, मैं रुझाई से ब्लैक कर देता हूँ। बहुत ध्यान से देखो ये वाला, देखो ये रहा, बहुत छोटा सा दिख रहा है और इसके चारों तरफ लाइट घूम रही है, मतलब ये लाइट को भी अपने ऑर्बिट करा रहा है, लाइट को भी, लाइट का, बिकॉज लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, तो लाइट को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी देखो लाइट को कुल चक्कर घुमा रहा है। यही इवेंट होराइजन का काम करती है। और ये बीच में क्या देखो, छोटा सा ब्लैक होल। तो सोचो अगर कभी ब्लैक होल तुम्हारी अर्थ के पास आ जाए, हैं, तो होगा क्या पता है, होगा क्या, अगर तुम्हारी अर्थ के पास ब्लैक होल कहीं आ गया तो अर्थ स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल अर्थ का ऐसा हाल होगा। कैसा, कहाँ गया अर्थ का हाल, अर्थ का हाल होगा ये अर्थ, मान लो देखो ब्लैक होल में देखो कैसे हो गया, देखो देख लो, ये होगी गायब, ये हो जाएगा अर्थ का हाल, समझ पा रहे हो, कभी भी कुछ वगैरह ऐसा हुआ, यही था तुम्हारा ब्लैक होल। अब बहुत सारे क्वेश्चन सबके दिमाग में आएंगे, बहुत सारे, जिस जिसके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आए, जिस जिसके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन करेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो बनाई मैंने सिर्फ ब्लैक होल के इंट्रोडक्शन के ऊपर, एक छोटी सी वीडियो है, इसमें सिर्फ हमने ब्लैक होल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ब्लैक होल बनता कैसे, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अभी मैंने कुछ भी बातें नहीं की। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। तुम लोगों के बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर ब्लैक होल काम कैसे करता है, ब्लैक होल काम कैसे करता है, ब्लैक होल क्यों इतनी ग्रेविटी इसके अंदर आ जाती है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सर अगर अर्थ ब्लैक होल की चपेट में आ गई तो क्या होगा, सर सन आ गई तो, सर क्या ब्लैक होल पूरे यूनिवर्स को खा सकता है, सर ब्लैक होल कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, सर ब्लैक होल ट्रेवल भी करता है क्या, सर हम ब्लैक होल के अंदर जाके क्रॉस कर सकते हैं क्या, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सबके दिमाग में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। तुम सभी क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स में करो और जल्दी से फिर मैं इसकी, जितने ज़्यादा मुझे क्वेश्चन मिल जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो वापस बनाएंगे, ठीक है। तो भाई ब्लैक होल हमने क्या पढ़ा, देखो जल्दी से सुनो, तो हमने यहां से स्टार्ट किया एक बेसिक ओवरव्यू। ब्लैक होल बेसिकली है क्या, ब्लैक होल ये है, क्या है ब्लैक होल, ये ब्लैक होल दिख रहा है चारों तरफ लाइट इसके बेंड हो रही है, ब्लैक होल आदमी को इस तरह से स्ट्रेच कर सकता है ब्लैक होल आ जाए, यानी ब्लैक होल बनता कैसे, तुम्हारा सन के अंदर जब ये ग्रेविटी ग्रेविटी कम, रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगी, रेडिएशन कम हो, खत्म हो जाएंगे ना तुम्हारे, है ना, रेडिएशन मान लो तुम्हारे ब्लैक होल की खत्म होगी, ब्लैक होल की नहीं सन की, रेडिएशन खत्म होगी, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा, कोलैप्स कर जाएगा सन, और कोलैप्स करने के बाद देखो ये चीज़ होगी, देखा दे रही है, जादू जादू, ब्लैक होल एक्चुअल में एक जादू है, बहुत मिस्टीरियस चीज़ है ब्लैक होल, ठीक है। ये जो हो रहा है जादू, ये तो हिप्नोटाइज नहीं कर रहा मैं तुम्हें, कभी सोच लो सर तो हिप्नोटाइज कर रहे हैं, सर जादू लेके आए हैं अब हम हिप्नोटाइज करके हमसे पता नहीं क्या करवा लें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ब्लैक होल का दिखाया जा रहा है कि पूरा कोलैप्स कर रहा है देखो एक में, और यहाँ पे बाद में जाके ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होते ही क्या बन जाएगा, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या फिर क्या बन सकता है, तुम्हारा ब्लैक होल, ठीक है। तो पहले लोगों को लगता था ब्लैक होल रियलिटी में कुछ होती नहीं, थोड़े टाइम पहले ही ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई है, रियलिटी में होता है, ठीक है। और तुम्हारे तो पास ही एक है ना, हमारी गैलेक्सी में भी एक होते हैं ना, ये रहा देखो ब्लैक होल, देख रहे हो जूस की तरह पी गए यहाँ पे, अभी तक तुमने मूवीज में देखा होगा बस, ऐसा होता है, अरे शिट सच में ऐसा हो गया। सोचो ये पूरा सोलर सिस्टम हो सकता है, हो सकता है पूरा सोलर सिस्टम हो सकता है ये सन हो, पूरे सन को ऐसा पी गया, देख रहे हो गोले ऐसा बना दिया, अब देखो रंग बिरंगी लाइट इसे एक बार लाइट के बंद करके देखो, चलो समझ में आ गया, देखो क्या हो रहा है रियलिटी में, लोगों को लगता है सर भूत है, भूत नहीं है। चलो बाय, आज के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना करेंगे, बाय बाय बाय, मैं भी गायब हो रहा हूँ, ब्लैक होल के अंदर जा रहा हूँ, हो गया गायब।